गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ द प्रोनाउंस एंड काइंड ऑफ प्रोनाउंस, मींस की सर्वनाम और उसके भेद। ओके बच्चों, नाउ लेट स्टार्ट। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। देखो बच्चों, जो प्रोनाउन होता है वो एक ऐसा वर्ड होता है जो हम नाउन के प्लेस पर यूज़ करते हैं। ओके, द वर्ड प्रोनाउन मीन्स, अब देखो जो वर्ड प्रोनाउन है उसका मीनिंग क्या है, फॉर अ नाउन, नाउन के लिए। ओके, जनरली अ प्रोनाउन टेक्स द प्लेस ऑफ अ पर्टिकुलर नाउन। देखो बच्चों, ज़्यादातर क्या होता है, जो प्रोनाउन होता है वो किसी भी पर्टिकुलर नाउन के प्लेस को ले लेता है, मीन्स कि उसके स्थान को ले लेता है, उसकी जगह हम, मीन्स कि किसी भी पर्टिकुलर नाउन की जगह हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। द प्रोनाउन रेफर्स टू इट्स एंटीसीडेंट। जो प्रोनाउन होता है वो उसके पूर्ववर्ती को क्या करता है, रेफर करता है। अ प्रोनाउन हेल्प्स अस अवॉइड अननेसेसरी रिपीटिशन इन आवर राइटिंग एंड स्पीच। देखो जो प्रोनाउन होता है वो हमारी हेल्प करता है राइटिंग और स्पीच में, जो हम अननेसेसरी रिपीटिशन करते हैं उसको अवॉइड करने में। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ दीज एग्जाम्पल सेंटेंसेस। यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस गिवन है, तो हम उससे क्या करते हैं, प्रोनाउन को समझते हैं। लुक एट अतुल, अतुल को देखो। अतुल इज़ अ गुड बॉय। अतुल लव्स टू स्टडी। अतुल इज़ गुड एट स्केटिंग। अतुल जो है वो अच्छा लड़का है। अतुल लव्स टू स्टडी, अतुल को स्टडी करना भी बहुत अच्छा लगता है। अतुल इज़ गुड एट स्केटिंग, अतुल जो है वो स्केटिंग में भी गुड है। नाउ रीड दिस सेंटेंसेस अगेन। लुक एट अतुल, अतुल को देखो। ही इज़ अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। ही लव्स टू स्टडी, उसे स्टडी करना अच्छा लगता है। ही इज़ गुड एट स्केटिंग, और वो स्केटिंग में अच्छा है। देखो यहाँ पे हमने फर्स्ट में क्या करा था, अतुल इज़ अ गुड बॉय। अब जो है हमने अतुल की जगह किसका यूज़ कर लिया, ही, ही इज़ अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। नेक्स्ट में हमने किया था अतुल लव्स टू स्टडी, अतुल को स्टडी करना अच्छा लगता है, बट हमने यहाँ पे भी अतुल की जगह किसको यूज़ कर लिया है, ही, मींस की नाउन की जगह हमने प्रोनाउन का यूज़ कर लिया है। नेक्स्ट सेंटेंस में भी हमने ऐसे किया है, नाउन की जगह हमने क्या करा है, प्रोनाउन का यूज़ किया है। ठीक है बच्चों, द वर्ड ही टेक्स द प्लेस ऑफ अतुल, जो वर्ड ही है उसने अतुल के प्लेस को ले लिया है, एंड इज कॉल्ड प्रोनाउन, इसको ही हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। ओके बच्चों, काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, देयर आर 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट वन इज़ पर्सनल प्रोनाउंस, नेक्स्ट वन इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, एम्फेटिक प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस एंड पोजेसिव प्रोनाउंस, पोजेसिव प्रोनाउंस। ओके बच्चों, नाउ पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन आर यूज टू रिप्लेस नाउन्स और नाउन फ्रेजेस। देखो जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वो नाउन्स की जगह या नाउन फ्रेजेस की जगह हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड फॉर 3 पर्सन्स। अब देखो जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वो 3 पर्सन्स को स्टैंड करता है, लाइक फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। देखो बच्चों, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड फर्स्ट पर्सन प्लूरल। ओके, सेकेंड पर्सन सिंगुलर एंड सेकेंड पर्सन प्लूरल। ओके, नेक्स्ट वन इज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड थर्ड पर्सन प्लूरल। ओके बच्चों, अब देखो बच्चों, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, जो किसी बात को बोल रहा होता है। ओके, सेकेंड पर्सन क्या होता है, जो फर्स्ट पर्सन की बात को सुन रहा होता है, मींस कि फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के बीच में बात हो रही होती है। तो फर्स्ट पर्सन कौन है, जो बात को बोल रहा है। सेकेंड पर्सन कौन होता है, जो फर्स्ट पर्सन की बात को सुन रहा होता है। थर्ड पर्सन कौन होता है बेटा, जिसके बारे में बात हो रही होती है। ओके, सिंगुलर में क्या क्या आते हैं, आई, मी, माई, माइन। ओके, प्लूरल में देखो बच्चों, वी, अस, आवर, आवर्स। नेक्स्ट वन इज़ यू, यूअर, यूअर्स। नेक्स्ट वन इज़ यू, यूअर एंड यूअर्स। थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, इट, हिम, हर, हीज, हर, हर्स, इट्स। ओके, एंड थर्ड पर्सन प्लूरल में बच्चों देखो क्या आता है, दे, देम, देयर एंड देयर्स। ओके, नाउ फर्स्ट पर्सन, आई, वी, मी, अस, हम एग्जांपल्स देखते हैं इसके। आई वोन द अवॉर्ड, मैंने अवॉर्ड जीता। तो जो ये आई वर्ड है वो क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है।
ठीक है, फर्स्ट पर्सन है और मीन्स कि पर्सनल प्रोनाउन में ही आता है। नेक्स्ट वन इज़ द मैटर इज़ बिटवीन आयशा एंड मी, जो ये मैटर है वो मेरे और आयशा के बीच में है। जो मी वर्ड है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन है एंड पर्सनल प्रोनाउन की पर्सनल प्रोनाउन में आता है ये। ओके, नेक्स्ट वन इज़ सेकेंड पर्सन कौन कौन से होते हैं, यू यूअर एंड योर्स भी होता है। वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो, जो ये देखो बच्चों यू वर्ड है वो क्या है, सेकेंड पर्सन है। ओके, नेक्स्ट वन इज थर्ड पर्सन लाइक ही शी इट दे देम हिम हर। फॉर एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल क्या है, ही एग्री टू लुक आफ्टर द बेबी। लुक आफ्टर का मीनिंग क्या होता है, देखभाल करना। वो जो है बेबी को, बेबी की देखभाल करने के लिए एग्री हो गया है, तो ही वर्ड जो है वो क्या है, थर्ड पर्सन है। नेक्स्ट वन इज़ दे वेंट टू म्यूजियम, कि वे म्यूजियम गए। अब देखो बच्चों दे जो वर्ड है वो क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल है, एंड ही जो है वो क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ओके बच्चों, नाउ नोट, देखो नोट में आपको बात क्या ध्यान रखनी है, जो पर्सनल प्रोनाउन जब पीपल के लिए यूज़ होता है तो हम क्या क्या यूज़ करते हैं, आई यू ही शी दे मी हिम हर अस देम। ओके, पर्सनल प्रोनाउन फॉर थिंग्स एंड एनिमल्स, जब हम पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ थिंग्स के लिए और एनिमल्स के लिए करते हैं तो क्या होता है बच्चे, तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, इट दे देम। ओके बच्चों, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।